नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नेबल चैनल। दोस्तों, अगर हम मान लीजिए टैली में अपने जाते हैं, यहाँ पे अगर कुछ एंट्रीज हमारी पड़ी हुई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाउचर नंबर, अभी हम डे बुक में हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाउचर नंबर नहीं डला हुआ है। या तो आपका मैनुअल, जैसे आप वाउचर नंबर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे भी ब्लैंक दिख रहा है। अगर आप ऑटोमेटिक वाउचर नंबर रखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा करके आता है। तो अभी यहाँ पे जैसे ये हमने जो एंट्रीज डाल के रखी हुई हैं, इसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस, पेट्रोल, TADA सारी चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि ये आपका, जैसे यहाँ वाउचर नंबर की जगह में आपका कुछ नाम लिख के आ जाए ट्रेवलिंग एक्सपेंस करके, या जिसके थ्रू वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुआ है उसका नाम लिख के आ जाए, तो अभी आपको एडिट करना पड़ेगा एक एक एंट्री को। यहाँ पे जा जा के आपको यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा, तब फिर वो आपका वाउचर नंबर सेव होके आगे आएगा। अभी देखेंगे आप यहाँ पे आपका AS लिख के जो मैंने लिखा, ये अभी आपका वाउचर नंबर दिख रहा है। तो अभी हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो वाउचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ वाउचर नंबर या आ जाए, या तो कुछ आप नाम लिख दें और बिना ओपन किए हुए यहीं के यहीं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप इसको मैनुअल करें, जो आपका वाउचर नंबर है वो मैनुअल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे मैनुअल करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और यहाँ से फिर हम अल्टर में जाके यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी हमें जर्नल को करना है मैनुअल, तो यहाँ पे हम आके मैनुअल, ये जो मैनुअल करके लिखा हुआ है इसको हम मैनुअल करके सेट करके इसको हम सेव कर लेंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये जो 3 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, ये कोई हमारा जो बंदा है मान लीजिए दीपक करके है, तो दीपक करके यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्रोल R पे प्रेस करेंगे या सेट वाउचर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम दीपक लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ सभी में दीपक लिख के आ चुका है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपको और यहाँ पे कोई वाउचर नंबर डालना है, तो सबसे पहले आपको सेल सेलेक्ट करना है हमें किस में डालना है। अगर जैसे ज़्यादा में डालना है तो आप 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, यहाँ पे कुछ हम वाउचर नंबर डालते हैं या इस हिसाब से आप इनवाइस नंबर वगैरह भी, आपका मान लीजिए सेल की एंट्री आप करके रखे हैं तो आपका इनवाइस नंबर वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं इसको गलत इनवाइस नंबर मैंने दे दिया है यहाँ पे, तो आप यहीं से इनवाइस नंबर वगैरह, सेल या परचेज या कोई सा भी आपका वाउचर हो, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। आपको बस सेलेक्ट करना है और सेट वाउचर पर क्लिक करके जो चीज़ आपको डालना है वो आप चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये संभव कैसे है आइए देखते हैं। ये संभव है TDL से, ये वाउचर नंबर करके हमारे पास ये TDL फाइल है, ये टेक्स्ट में लिखी हुई TDL फाइल है। अब इसको हमें टैली में डालना रहता है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसके प्रॉपर्टी में जाके इसके सिक्योरिटी में जाएंगे और इसका हम पूरा पथ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके। उसके बाद हम वापस टैली में आएंगे, यहाँ पे आपको अपडेट एंड फीचर्स के नीचे में यहाँ पे खाली जगह में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज लोकल TDL पे क्लिक करना है, या तो आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे इसको हम Alt+Ctrl+V करके हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में आप इसे इंटर करके सेव कर देंगे। तो अभी हमारा TDL जो है काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना वाउचर नंबर जो है बस सेलेक्ट करना है आपको और चेंज करना है। तो दोस्तों, मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको कभी न कभी ज़रूरत पड़ते ही रहती है कि नहीं हमें यहाँ पे ये लिखना था, हमें वाउचर नंबर हमारा ये चाहिए था, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।